और यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर चुनाव को लेकर नितिन अग्रवाल ने जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि अगर मतपेटी को लेकर समाजवादी पार्टी विवाद कर रही है तो ये गलत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया है, नितिन अग्रवाल जीत गए हैं। हमारे साथ यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। अजय जी, चुनाव संपन्न हो गया है, क्या कुछ नतीजे आए हैं, कितना वोट प्रतिशत जो है रहा? वोट के आंकड़े तो आपको मालूम ही हैं। भारी बहुमत से माननीय नितिन अग्रवाल जी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, सभी दलों के नेताओं को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस चुनाव में हिस्सा लिया और संसदीय लोकतंत्र को और मजबूत करने का काम किया है। माननीय नितिन जी अनुभवी हैं, मंत्री रहे हैं, फील्ड वर्कर रहे हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो हमको विश्वास है कि उनके नेतृत्व में, उनके कामकाज के कारण जनतंत्रीय व्यवस्था और मजबूत होगी और उत्तर प्रदेश की संसदीय परिपाटी देश के अन्य राज्यों द्वारा भी अनुसरण में ली जाएगी। ये कहा गया, सपा की तरफ से आरोप लगाया गया कि बहुत पारदर्शिता नहीं रखी गई। पहले कुछ और कहा गया था, लेकिन बूथ जो है उसको लेकर पारदर्शिता नहीं रखी गई, आरोप लगाया गया। जो पहले भी उपाध्यक्ष के चुनाव हुए हैं और चूंकि उपाध्यक्ष का चुनाव सदन के भीतर होता है, इसलिए सदन की कार्यवाही का भाग बनता है, एक एक अक्षर लिखा जाता है। अध्यक्ष इस चुनाव का संचालन करता है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस तरह की बातें आई थी कि सेंटर में रखा जाए कि वहाँ रखा जाए। हमने ये निर्णय लिया कि जब सेंटर में रखेंगे, आपने देखा होगा इसे भीड़ लग रही थी, तो अगर उसको वेल ऑफ दी हाउस में रखेंगे तो भीड़ बढ़ जाएगी, तो हमने वोट देने का डालने के लिए अपने राइट हैंड बहुत नज़दीक एक डिब्बा रखवाया और उसके डालने का डिब्बा अपने लेफ्ट में रखवाया। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी, मुझे लगता है कि ये बात उन्होंने मनोरंजन में कही।